दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत गिर गई। भारी बारिश के चलते टर्मिनल वन का हिस्सा गिर गया और छत गिरने से 6 लोग जख्मी हुए। इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम और टर्मिनल पर हुए हादसे के चलते कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया। 28 फ्लाइट्स को रद्द किया गया और यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्री मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली एनसीआर में गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन कई जगह मुसीबत खड़ी कर दी। दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया और ये देखिए एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत गिर गई और इसी के साथ 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तकरीबन 28 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। ये राममोहन नायडू ने क्या कहा इसको लेकर, ये देखिए उन्होंने कहा कि जो छत गिरने का हादसा हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उससे मैं जाती तौर पर निगरानी कर रहा हूं, उसको मैंने नोटिस में लिया है। पहले इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी सलाह दी है लोगों को और एयरलाइंस को कि वो तमाम जो यात्री इससे प्रभावित हुए हैं इस हादसे से उनकी मदद करें। राजा पटेल मेरे सहयोगी बने हुए दिल्ली से मेरे साथ। राजा, पहली बारिश ने दिल्ली में पानी को लेकर तो बुरा हाल किया ही, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत भी गिर गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था और भी बड़ा, हालांकि इस हादसे में भी 6 लोग जख्मी हुए, लेकिन गनीमत है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। आप बताइए कैसे हुआ यह हादसा राजा और अभी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा बारिश की वजह से दिल्ली के जो आईजीआई एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर देखने को मिला। जो छत है वो गिर गई, 6 लोगों की घायल होने की सूचना है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जो आईजीआई का टर्मिनल वन है यहाँ से सभी जो वीआईपी है वो एंट्री करते हैं। गरिमत ये रही कि उस जब छत गिरी सुबह का समय था और यहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था, चाहे मंत्रियों की बात करें सेलिब्रिटी की बात करें सभी को टर्मिनल वन से ही अंदर ले जाया जाता है। तो एक बड़ा हादसा होता हुआ जरूर टल गया, पर जिस तरीके से 6 लोगों की घायल होने की सूचना है उनका उपचार चल रहा है और प्रशासनिक जो रायपुर के अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार छत गिरने का मुख्य कारण कहाँ है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी है बारिश बताई जा रही है, क्योंकि बारिश में काफी ज्यादा जल वहां पर जमा हो गया, पानी वहां पर जमा हो गया, जिसकी वजह से जो पिलर कमजोर होने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अब इस हादसे के बाद जो 28 जो फ्लाइटें हैं वो पूरी तरीके से रद्द कर दी हैं और लगातार यहाँ पर मंत्रालय की बात करें अधिकारियों की बात करें वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा तो कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। जी ठीक है राजा, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक ट्वीट दिखाते हैं अपने दर्शकों को हम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे में हुए हादसे पर मैंने नजर बनाई हुई है, इस घटना की निगरानी कर रहा हूं, सभी प्रभावित यात्रियों की मदद करने की सलाह दी गई है एयरलाइंस को, मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। तो राजा, जो जख्मी हुए अस्पताल में भर्ती किया गया उनकी हालत कैसी है और अब वो यात्री जो प्रभावित हुए इस हादसे के बाद, तकरीबन 28 फ्लाइट्स जो रद्द हुई हैं उनके लिए किस तरह से मदद मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो बात करे वो लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं और उनसे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो 6 लोग घायल हैं उनका उनका उपचार चल रहा है। दिल्ली के जो आसपास के निजी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अलग अलग हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही हो सकती है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस तरीके से पहली बारिश में, हालांकि ये छत गिरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, बड़ी घटना भी हो सकती थी, पर जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है ये इसको लेकर पूरी तरीके से जो उड़ान मंत्रालय है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मंत्री हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है और जाहिर तौर पर जो अधिकारी हैं वो भी सुबह मौके पर पहुंच गए थे और लगातार इस पूरी हादसे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्य वजह क्या है। जी ठीक है राजा, इस बीच हम दिखाते हैं एक ट्वीट स्पाइस जेट एयरलाइंस की तरफ से भी, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। वो ये स्पाइस जेट ने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि खराब मौसम की वजह से या फिर भारी बरसात की वजह से स्पाइस जेट की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं जो टर्मिनल वन से उड़ान भरने वाली थी और जब तक अगले आदेश तक ये बंद रहेंगी। यात्रियों को असुविधा के लिए खेद भी जताया उन्होंने, माफी भी मांगी यात्रियों से और हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया गया स्पाइस जेट की तरफ से। इस ट्वीट में इस हेल्पलाइन नंबर का भी जिक्र है, एक वेबसाइट का भी जिक्र है कि यात्री जो प्रभावित हुए हैं इस हादसे के चलते
वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले आदेश तक स्पाइसजेट ने अपनी जिन फ्लाइट्स को रद्द किया है उनके हवाले से ये जानकारी डाली है सोशल मीडिया पर। और ये देखिए, ये इंडिगो एयरलाइंस के भी यात्री वापस जा रहे हैं फ्लाइट्स रद्द होने के चलते। ये तस्वीरें देखिए, लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है टर्मिनल वन की छत गिर जाने की वजह से, और टर्मिनल वन से जितनी उड़ानें थी उनको रद्द करना पड़ा है। काफी जरूरी काम थे कई लोगों के, तो लोग मायूस हैं, उनकी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, अब उनको वापस जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये इंडिगो एयरलाइंस के मुसाफिर हैं जो इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हैं ये आपके टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स प्रपोज किया और लिखा कि दिल्ली हवाई अड्डे में हुए हादसे पर मैंने निगरानी बनाई हुई है, सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है और मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि 6 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पहली ही बरसात ने दिल्ली में बुरा हाल कर दिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत गिर गई, इस वजह से कई कारों को नुकसान हुआ है और 6 लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और बुलेटिन में अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए आपको बता दें कि सांसद कुमारी सैलजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, टर्मिनल वन की छत गिरने की खबर अत्यंत दुखद है, एक चिंता का विषय है, सरकार से उन्होंने अनुरोध भी किया इस घटना की जांच हो, जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने यह ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत गिर जाना बेहद अफसोसनाक है, जांच की जानी चाहिए इसकी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद कुमारी सैलजा ने यह ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल वन की छत गिरने की खबर अत्यंत दुखद और चिंता का विषय है, सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि मेरी संवेदनाएं उन यात्रियों और कर्मचारियों के साथ है जो इस हादसे से प्रभावित हुए। तो बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत गिर गई, भारी बरसात की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। तस्वीरें देखकर भी आप समझ सकते हैं कि काफी नुकसान हुआ है, छत गिर जाने की वजह से कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई, तकरीबन 6 लोग जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया ताकि उन्हें मुकम्मल इलाज मिल सके और वो ठीक हो जाएं। इसके बाद आपको बता दें कि तकरीबन 28 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, वो फ्लाइट्स जो टर्मिनल वन से उड़ान भरने वाली थी उन्हें रद्द कर दिया गया। और इस बीच हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने ट्वीट के जरिए इस हादसे पर दुख जताया। इस बीच बड़ी और अफसोसनाक खबर है इसी हादसे से मुतालिक, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन की छत गिर जाने की वजह से 6 लोग जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर मिल रही है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर है इस वक्त की, भारी बारिश के चलते टर्मिनल वन की छत गिर गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर और इस हादसे में 6 लोग जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। जिन 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको दिल्ली से। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, 6 लोग जो जख्मी हुए थे इस हादसे में घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, छत गिरने से कई लोग जख्मी हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। टर्मिनल वन की छत गिर गई थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, भारी बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ था और अब इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। इस बीच दिल्ली आने जाने वाली तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस की तरफ से अभी शेड्यूल कोई जारी नहीं किया गया, लेकिन अगले आदेश तक ये उड़ानें रद्द रहेंगी।